नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और आपके अपने चैनल कुंदन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 मार्च और 3 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में इनको देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हाल ही में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो हॉकी से संबंधित हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर का पंजाब स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। खुल्लर 1968 की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। मलेशिया के नव नियुक्त प्रधानमंत्री हैं मोहिद्दीन यासीन, महातीर मोहम्मद, अल सुल्तान अब्दुल्ला, केपी शर्मा ओली। तो मोहिद्दीन यासीन मलेशिया के नव नियुक्त प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला रयुतुद्दीन ने पूर्व गृह मंत्री मोहिद्दीन यासीन को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। संसद में उनके पास बहुमत है। वह रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह ने, ओम बिरला ने। तो ओम बिरला जो कि अपने लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया है। ओम बिरला के अनुसार सुपोषण अभियान देश में किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को स्वस्थ के दुरुस्त बनाए रखना है। इसको तो देखते हैं। भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया? गोरखपुर, दिल्ली, आसनसोल, बनारस। तो आसनसोल में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया। भारतीय रेल ने हाल ही में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग हेतु अपना पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया। इस रेस्टोरेंट को 2 पुराने MEMEI कोचों को नवीनीकृत करके विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिसने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो पंजाब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अंतर्गत ऐसे सभी होटलों, ढाबों, भोजनालय, ऑनलाइन खाने की सप्लाई पर रोक लगाने का फैसला किया है जो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट के नियमों के तहत हाइजीन रेटिंग में नहीं आते हैं। ऑनलाइन खाने की सप्लाई करने वाली कंपनियों को ऐप का भी निर्देश जारी किया है कि वह रेटिंग न करवाने वाली दुकानदारों से खाने सप्लाई ना करें। आदेश के मुताबिक जिन ऑपरेटरों की रेटिंग 3 से कम है उनसे भोजन लेने पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी संबंधी आदेश राज्य भर में 30 अप्रैल से प्रभावी होंगे और 1 साल तक लागू रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन भारतीय नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को अभी हाल ही में 43वां नागरिक लेखा दिवस मनाया गया है। लेखा महानियंत्रक ने 1 मार्च 2019 को 43वें नागरिक लेखा दिवस पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या होगा? जेंडर इक्वलिटी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, रियलाइजिंग राइट्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, आई एम रियलाइजिंग वुमेन्स राइट जनरेशन इक्वालिटी। तो आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष के महिला दिवस का विषय आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स है। इसका संदर्भ शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की गति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। डू यू नो सीरीज संबंधित है? भारत को जानने के लिए, बैंकिंग जागरूकता के लिए, पारिवारिक पेंशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिवारिक पेंशन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास MOS PMO क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन में पारिवारिक पेंशन पर डू यू नो ट्यूटर सीरीज लॉन्च की। उन्होंने 29 फरवरी 2020 को पेंशन के नियमों की व्याख्या के साथ केस स्टडी को उजागर करने वाली एक बुकलेट भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शोधकर्ता ने हेनगुइया सलमिनी सोकला की खोज की है, यह क्या है? ऑक्सीजन से सांस लेने वाला जानवर, एक गैर ऑक्सीजन सांस लेने वाला जानवर, एक प्रकार का वायरस, एक प्रकार का जीवाणु। तो एक गैर ऑक्सीजन सांस लेने वाला जानवर।
एक अजीब खोज में शोधकर्ताओं ने एक गैर ऑक्सीजन सांस लेने वाले जानवर के बारे में पता लगाया है। यह खोज विज्ञान की उन धारणाओं को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगी जो जानवरों को एरोबिक श्वसन और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। यह जीवों में विकासवाद के सिद्धांत को भी चुनौती देता है कि वे विकसित होते ही अधिक जटिल हो जाते हैं। हेनगुइया सलमिनिसिकोला के मामले में विकास ने इसे एक सरल जीव में बदल दिया है जो एरोबिक्स श्वसन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। टिप्पणियों के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने समुद्र आधारित उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादों की एक नई तिकड़ी का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, आज 3 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। वीडियो को शेयर करें।